बचपन में दोस्तों के साथ तो बहुत खेला है, कभी सोचा नहीं था कि सांपों के साथ भी खेलना पड़ेगा। ओहो, कबड्डी खत्म तो भरतनाट्यम शुरू, लेकिन कोई बात नहीं, परवाई ले, जहरीले होंगे आप, सब पेरा नचाएगा सांप। ये बात अब लग रहे ना आप बिल्कुल देवता टाइप, रूप में निखार आ गया, अब फेस लिफ्ट मिल गया आपको सर्वकाल। रूप बदल जाने से गुण नहीं बदल जाता, क्योंकि सियार अगर भेड़ की खाल ओढ़ ले तो भी वो सियार ही रहेगा, और सिंह अगर चेहरे पे नकाब चढ़ा ले तो भी सिंह ही रहेगा। चेन में बंधे बंधे बड़े बेचैन लग रहे हैं आप सर्वकाल, जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे आवश्यकता नहीं पूछने की, क्योंकि मैं जानता हूँ इस नकाब के पीछे किसका चेहरा है। वाओ, रियली? मतलब मेरे बाएं हाथ को पता नहीं होता है कि मेरा दाएं हाथ क्या कर रहा है, और आपको एक सेकंड में पता चल गया कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं सर्वकाल हूँ, ब्रह्मांड का सर्व ज्ञाता, सर्व अंतर्यामी। तुम्हें मेरे सामने ये मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। वाह, आप तो सच में सर्वज्ञाता हैं। तो चलिए मैं आपको अपना चांद सा मुखड़ा दिखा ही देता हूं। के साथ आवाज और अंदाज भी बदल लिया तुमने बालवी। आप ही ने कहा ना कि अगर शेर नकाब लगा ले तो भी वो शेर ही रहता है। अब आप ही बताइए, नकाब के पीछे से शेर दहाड़ता ही रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा? उस नकाबपोश के बाइक का नंबर मिल जाए तो उसके घर का एड्रेस भी पता चल सकता है। लेकिन जिस तरह नकाबपोश फाइटिंग करता है, उसे देखकर लगता तो नहीं है कि उसकी बाइक का नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा। अरे, ये तो वही हथियार है जो नकाब पोश ने तमन्ना शाह से लड़ते वक्त यूज किया था। तो फिर इस वेपन से मेरे ऊपर कौन टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है? तुम दोनों? यस, हम तुम्हें वार्निंग देना चाहते हैं, दोबारा हमसे लोचा मत करना, वरना ये हथियार आर पार हो जाएगा तेरे केस से, समझा? चलो चिंटी।
तिमनासा के बिछाए सर्प जाल को भेद कर तुम मेरे पास आए हो, कुछ तो कारण होगा तुम्हारे पास। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। मैं आपसे उस छुपी शक्ति के बारे में जानने आया जो तिमनासा की मौत बनने वाली है। जैसे मुझे तिमनासा से छुटकारा चाहिए, वैसे आप भी तिमनासा की इस कैद से आजाद होना चाहते हैं। आपकी आजादी का रास्ता मेरे रास्ते से होकर जाता है। जिस छुपी शक्ति की तुम्हें तलाश है, वो पहेलियों के माया जाल के अंदर है, ताकि कोई बुरी ताकत उसे नुकसान ना पहुंचा सके। पहेलियों का माया जाल? हाँ, मैं तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा दिखा सकता हूँ। उसके बाद पहेलियों के माया जाल को तुम्हें खुद तोड़ना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे बालवीर? मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई को जड़ से मिटाना। अगर तिमनासा का अंत इस छुपी शक्ति के हाथों लिखा है, तो मैं किसी भी माया जाल को तोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो सुनो, वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे जिसके पीछे तुम्हें वो छुपी शक्ति मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बालवीर। वैसे ये द्वार भारत नगर के पास ही है। इस गुफा के बाहर थोड़ा संभल के कदम रखना, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां इस गुफा के घेरे के अंदर काम नहीं करेंगी। तुम दोनों को ये वेपन कहां से मिला? हाँ? तुम कोई पुलिसमैन हो क्या जो हमसे इंटरोगेशन करोगे और हम तुम्हें जवाब देने लगेंगे? एक्चुअली ना, हमारे पापा ही ना परसों ही मार्स से लेके आए थे, और इस हथियार में सुपर पावर्स हैं, इसलिए हमसे टक्कर लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बुलबुले की तरह फूट जाओगे विमान। लगता है इनके दिमाग में जो डस्ट जमा हो गई है उसे क्लीन करना पड़ेगा। अब बताओ, तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला था? मार्केट के पीछे जो सुनसान रास्ता है ना, जहाँ पर वो पुरानी बस बंद पड़ी है, वहाँ मिला। ओके, अब तुम मुझे ये वेपन सुप्रीम गिफ्ट कर दो। लाओ। चिंटी, वो हथियार कहाँ गया? मुझे क्या पता है भैया, हथियार तो आपके हाथ में था। झूठ मत बोल चिंटी, मैंने तुझे दिया था। नहीं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? होश बस के पास तो परियों का सामना चपटाली और नागी जैसे हुआ था, जबकि नकाबपोश मेरे साथ मिलकर तिमनासा से टक्कर ले रहा था, तो फिर उसका ये हथियार उस बस की पर कैसे मिला? ओहो, सांपों का पूरा खानदान आया है मेरी विदाई के लिए। तिमनासा, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने बालवीर पर भारत नगर में नजर रखी थी। अरे आने से पहले रेडी स्टेडी गो तो बोल लो। क्या हुआ? लग रहा है मेरी सर्प सेना को कोई मार रहा है।
जिद्दी किस्म के सांप हो यार। मौका मिलते ही डस लिया। हिम्मत हुई सुरक्षा घेरे को तोड़ने की? कौन आया था यहाँ? ये सब कुछ उसी नकाबपोश ने किया है। नकाबपोश? हाँ, लेकिन मेरे एक सांप ने उस नकाबपोश को डस लिया है और बहुत जल्द जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मेरे जहर का तोड़ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। इसका मतलब वो नकाबपोश कोई आम योद्धा नहीं है, बल्कि उसके पास भी जादुई शक्तियां हैं और केवल यहाँ से जाना चाहिए। वो जरूर गुफा के अंदर आया होगा, लेकिन सर्फ काल के पास वो करने क्या आया था? अरे वो टेरेस पर भी नहीं है। कौन टेरेस पर नहीं है मम्मी? अब पीछे ढूंढ रही है। अरे देमू, वो जब से तुझे स्कूल छोड़ने गया था तब से घर वापस ही नहीं लौटा है। क्या भैया पूरी सेंट्री गायब है? सर्वकाल की दी हुई पहेली बाद में सुलझाऊंगा, लेकिन इस वक्त माँ और विवान के सवालों से बचना पड़ेगा। देवू भैया, अब माँ एक साथ प्यार और सवाल दोनों की बौछार करेगी। तैयार हो जाओ देवू। 1 2 3 देवू। हाँ। तुम थे कहाँ पर? तुम थे ही तो हो ना? माँ मैं वो। तुमने कुछ खाया कि नहीं? खाया माँ मैंने वो खाना। तुमने कुछ उल्टा सीधा ही खाया होगा। बताओ ना, चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। नहीं मम्मी, calm down। अब अपने सवालों पर ब्रेक लगाएंगे, तब ना देवू भैया अपने आंसर्स दे पाएंगे। अरे हाँ, तुम इधर आओ, इधर बैठो। अरे अब चुप नहीं रहो, बोलो भी। थैंक यू विवान। थैंक यू बाद में, पहले आंसर दीजिए कि आप मुझे छोड़कर बस स्टॉप कहाँ गायब थे नॉन स्टॉप? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़कर वापस ही आ रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में एक लेडी मिली जिनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, और इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। ये कौन सा लॉजिक है भैया? अगर टायर पंचर हुआ था तो हॉस्पिटल क्या करने ले गए थे? अरे नहीं नहीं, तुम समझे नहीं विमान, वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी और इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, वो भी स्वस्थ है और उन्हें एक लड़की हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने किसी की मदद की, लेकिन देवू अगली बार से ना मुझे फोन कर दिया करो, वरना तुम्हें पता है ना मेरा बीपी ऊपर नीचे। नहीं माँ, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, अगली बार ध्यान रखूंगा। सॉरी, इट्स ओके। अच्छा चलो, अब तुम तीनों हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे बनाती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी, जब बेबी पैदा होता है तो मम्मी को दर्द होता होगा ना? हाँ, तो आपको भी बहुत पेन हुआ होगा ना जब देवू भैया विवान और मैं पैदा हुए थे? अरे खुशी, अभी अभी माँ के सवाल बंद हुए, तुमने अपने सवाल चालू कर दिए, अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो माँ। अरे देवू, ये तुम्हारे हाथ में चोट के निशान कैसे लगे? ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, चलो चलो डॉक्टर के पास मेरे साथ। नहीं नहीं माँ, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, उन्होंने कहा कि ये हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हुआ है, मतलब ज्यादा धूप की वजह से।
चिंता करने की कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी लिख के दी है, मैं खुद लेकर आता हूँ। अरे अरे लेकिन दवाइयाँ तो मैं फोन पे मंगा लूंगी ना। नहीं नहीं माँ, मेडिकल शॉप पास में ही है ना, मैं जुब से गया और जुब से आता हूँ, चिंता मत करो। वो नकाब पोश आखिर तुम्हारे पास आया क्यों था? मुझे सीधे सीधे जवाब देना सरकार, क्या तुमने उस नकाब पोश को छुपी हुई शक्ति के बारे में कुछ भी बताया है? हो सकता है बता दिया हो मैंने, क्योंकि शत्रु का शत्रु आखिर मित्र ही तो होता है ना? तुम्हें इतनी बड़ी गलत फहमी हो भी कैसे सकती है सरकार? जिस छुपी हुई शक्ति को तिन्नासा नहीं ढूंढ पाई उसे वो नकाब पोश ढूंढेगा, मजाक लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी छोटी सी अकल में ये बात नहीं आती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज भागने से ज्यादा जरूरी होता है सही दिशा में भागना, और मेरी मदद से नकाब पोश ने सही दिशा में कदम उठा लिया है। अच्छा सर्वकाल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये तिनका बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है ना, तो मैं बहुत जल्द उसके पर काटने वाली हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नागिनी ने उसके अंदर अपना जहर छोड़ दिया है। तो आखिर तुम आ ही गए उस जगह जहां तुम्हारी शक्तियां छीनी गई थीं। वीरलोक के हर वासी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा थी बालवीर, और मैं भी तुम्हारे लौटने की राह देख रहा था। वी लोक में वापस लौटकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है शौर्य, लेकिन मैंने जो किया वो भी बहुत जरूरी था। जब सर्वकाल से मुझे छुपी शक्ति के बारे में पता चला तब तिम्नासा को मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। शौर्य, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अभी। छुपी शक्ति? मुझे ऐसी किसी शक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं शौर्य, मैं उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगा लूंगा, लेकिन अभी तिम्नासा को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए वो मुझे रोकने की जरूर कोशिश करेगी। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तिम्नासा का मुझ पर से ध्यान हट जाए। लेकिन ये कैसे संभव है? मुश्किल सही, मगर एक योजना है मेरे पास, और उसके बाद ही हमने सर्वकाल पर हमले का नाटक किया। मेरी इस प्राण ऊर्जा से अगर तुम सर्वकाल पर हमला करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें खुद सर्वकाल के पास जाकर इस प्राण ऊर्जा का धमाका करना होगा। तिम्नासा को तेल के दाने जितना भी शक ना हो, इसके लिए हमने परियो और विवान तक को सच नहीं बताया। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूँ कि धरती वासियों की रक्षा की जिम्मेदारी आज से बालवीर नहीं बल्कि उसका उत्तराधिकारी विवान करेगा, क्योंकि आज से और अभी से मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूँ, की सारी शक्तियां छीनता हूँ। और उसके बाद मैं देवू बन गया, वो देवू जिसके पास ना ही शक्तियां थी और ना ही याददाश्त। तो ठीक है ना बेटा? आपने मुझे बेटा क्यों बोला? आप मुझे जानती है। जबदाली और तौबा तौबा के कानों में भी ये खबर हमने ही डाली ताकि वो लोग तिम्नासा को देवू के बारे में बताएं। उस बालवीर ने ना हम दोनों को पहचाने नहीं। हाँ, और कौन तिम्नासा बोल रहा था? कौन तिम्नासा? लेकिन तिम्नासा भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने धरती पर परमाणु विस्फोटक लगा दिया, लेकिन मैंने भी अक्ल का कच्चा बनकर
जानबूझ के तिमनासा को उसी के जाल में फंसा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो लगता है दीदी के पेपर्स हैं। डरपोक देबू का नाटक करते हुए मैंने उस परमाणु विस्फोटक का ट्रिगर भी चुरा ली। अरे ये तो मेरा है, वो चूहे से भागते भागते मेरी जेब से गिर गया होगा। एक सेकंड दिखाइए, इसमें तो ट्रिगर लिखा है। हाँ वो बंदूक में होता है वैसा ट्रिगर। या फिर जिससे बम को ऑन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सारी अड़चनों के बावजूद तिमनासा ने वो परमाणु हथियार बना लिया, इसलिए मुझे खुद जाकर उस परमाणु हथियार के ट्रिगर का कनेक्शन तोड़ना पड़ा। एक सच को छुपाने के लिए ना जाने मुझे और आपको कितने झूठ बोलने पड़े, लेकिन फिर भी तिमनासा और विवान को शक हो ही गया तो मेरी शक्तियां नहीं गई। और इसी शक को दूर करने के लिए तिमनासा ने खुशी को अगवा कर लिया, और उसे बचाने के लिए तुम्हें एक नया रूप लेना पड़ा, नकाबपोश का। अगर देबू भैया नकाबपोश नहीं है तो आखिर नकाबपोश है कौन? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.